हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। WWE रॉ रिजल्ट: रोमन रेंज को उनके दुश्मन ने दी चेतावनी, ब्रॉक लेसनर ने वापसी करके दिग्गज का किया बुरा हाल। जी हां दोस्तों, WWE रॉ का एपिसोड बहुत ही शानदार रहा। इस शो में जबरदस्त सेगमेंट और कुछ तगड़े मैच देखने को मिले। शो की शुरुआत एज और वेथ फिनिक्स ने की। ब्रॉक लेसनर का धमाकेदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला। खैर, इस आर्टिकल में हम WWE रॉ के एपिसोड के नतीजों को लेकर बात करेंगे। WWE रॉ में एज और वेथ फिनिक्स का सेगमेंट। जी हां दोस्तों, एज ने प्रोमो की शुरुआत की और बताया कि जजमेंट डे उन्होंने बनाया था, ये उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने मना कि इस फैंक्शन द्वारा फिन वेलर, डेमियन प्रिस्ट और रियर रिप्ली को सफलता मिली है। एज ने कहा कि वो वापसी करके लगातार जजमेंट डे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में वेथ फिनिक्स ने रिया रिप्ली की बात की। एज और वेथ फिनिक्स ने बताया कि वो इस कहानी को खत्म करना चाहते हैं। जजमेंट डे ने एंट्री की और रिप्ली उनके साथ मौजूद नहीं थी। उनकी एज के साथ बहस देखने को मिली। इसी दौरान जजमेंट डे ने बताया कि रिया रिप्ली शो में नहीं है। डेमियन प्रिस्ट ने एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई होने का दावा किया है। बाद में वेथ फिनिक्स ने एज के साथ मिलकर फिन वेलर और रिया रिप्ली के खिलाफ एलिमिनेशन चैम्बर में मैच लड़ने की बात रखी। जजमेंट डे ने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने एज और वेथ को घेरा और हमला किया। इतनी देर में एंजेलो डोंकिस आए और दिग्गजों का साथ दिया। एज ने फिन पर स्पियर लगाया और स्टेज एरिया पर मॉन्टेज फोर्ड ने लगाकर डोमिनिक मिस्टोरियो पर हमला किया। रिंग में वेथ फिनिक्स ने डोमिनिक पर अपना फिनिशर ग्लैम स्लैम लगाया। डेमियन प्रिस्ट वर्सेस एंजेलो डोंकिस मैच एलिमिनेशन चैम्बर मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइंग मैच। ब्रेक के बीच एडम पियर्स ने आकर इस मैच को तुरंत बुक किया था। इस मैच में एंजेलो डोंकिस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और उन्होंने प्रिस्ट को कड़ी चुनौती दी। डेमियन ने भी काफी समय तक दबदबा बनाया। कई नियर फॉल्स देखने को मिले और लगा कि एंजेलो जीत दर्ज कर लेंगी। हालांकि अंत में प्रिस्ट ने अपना फिनिशर लगाकर जीत हासिल की। नतीजा डेमियन प्रिस्ट की जीत हुई। ऑस्टिन थ्योरी ने एरिना में स्पोर्ट कार से एंट्री की। मैक्सिमम मेल मॉडल्स को एडम पियर्स ने आधिकारिक तौर पर रॉ में साइन किया। चेल्सी ग्रीन ने एडम से क्वालिफाइंग मैच को लेकर चर्चा की और बताया कि उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने एक मैच की मांग की। बैरन कॉर्बिन वर्सेस डेक्स्टर लूमिस। मैच से पहले ही कॉर्बिन ने लूमिस पर हमला कर दिया। मैच शुरू हुआ और बैरन ने बहुत समय तक डोमिनेट किया। बाद में लूमिस ने लगातार तगड़े मूव लगाकर अपना टैलेंट दिखाया। अंत में डेक्स्टर ने अपना फिनिशर कॉर्बिन पर लगाया और पिन करके जीत हासिल की। नतीजा डेक्स्टर लूमिस की जीत हुई। बैकस्टेज बैंकी लिंच ने बताया कि 10 साल का उनका सफर काफी शानदार रहा। उन्होंने वैली के पुराने गिमिक को लेकर बात की। साथ ही बताया कि वो स्टील केज मैच में जीत दर्ज करके दुश्मनी खत्म करेंगी। ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट। ब्रॉक लेसनर ने प्रोमो कट किया और बताया कि बॉबी लेसले ने उन्हें रॉयल रबल मैच में एलिमिनेट कर दिया था। लेसनर ने बताया कि वो एक हफ्ते से लेसले के बारे में ही सोच रहे हैं। लेसनर ने बताया कि वो हर जगह हर समय बॉबी के बारे में सोच रहे थे। द बीस्ट ने कहा कि उन्होंने $5 की शर्ट पहनी है और इसमें $1 million का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में उनके और बॉबी लेसले के बीच एलिमिनेशन चैम्बर 2023 में मैच को लेकर बात की गई। उन्होंने लेसले को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। ऑल माइंटी ने एंट्री की और बताया कि लेसनर की वो हमेशा बुरी हालत करते हुए आए हैं। बॉबी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपने मैनेजर, एजेंट और लॉयर से बातचीत करके आएंगे। लेसले ने लेसनर की नाक पर फिंगर रख दी और इससे लेसनर को थोड़ा गुस्सा आ गया। थोड़ी ही देर बाद द बीस्ट ने बॉबी पर F5 लगा। ब्रॉक ने दिग्गज को धराशायी करके चौंका दिया। जी हां दोस्तों, बैकस्टेज डेक्स्टर लूमिस, जॉमी गॉर्गन और कैंडिस लेरे नजर आए। लूमिस ने लेरे को ड्राइंग गिफ्ट की और उसमें पीछे कोई नजर आ रहा था। असल में वो निकी क्रॉस थी और बाद में क्रॉस वहां से चली गई। कैंडिस लेरे वर्सेस मिशिन वर्सेस कार्मेला वर्सेस पाइवर निवेश विमेंस एलिमिनेशन चैम्बर मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए क्वालिफाइंग मैच। कार्मेला महीनों बाद एक्शन में नजर आई। बाकी सुपरस्टारों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और पाइपर निवेश ने अपनी ताकत दिखाकर सभी की हालत खराब की। पाइपर ने कैंडिस को जबरदस्त मूव देकर धराशायी किया। कार्मेला ने फायदा उठाया और निवेन को रिंग के बाहर करके खुद लेरे को पिन किया। नतीजा कार्मेला की जीत। जी हां दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।